मध्य प्रदेश सरकार की नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। माया जी, अटल आश्रय योजना काफी बड़ी योजना है, क्या स्थिति है इस समय मध्य प्रदेश में? अटल आश्रय योजना के तहत बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे आज ही इसकी एक मीटिंग थी हाउसिंग बोर्ड के साथ, और हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो हैं, पीएस हैं विभाग के, हम सभी लोग बैठे थे और उसका मीटिंग की है, जिसमें टोटल जो योजनाएं हैं उसकी 20,096 इसकी योजनाएं चल रही हैं, और इसमें हमारे 8 जिले ऐसे हैं जिनके के लिए हमें अभी भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उसकी भी कोशिश हो रही है। लेकिन ये सारे आज उन लोगों को हिदायतें दी हैं कि सारी जितनी भी हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं, हाउस फॉर ऑल के तहत जो घर बन रहे हैं, वो जल्दी जल्दी वो काम मतलब शुरू करें और पूरा भी करें समय सीमा में। सीएम साहब ने भी आज बीसी ली है, उस बीसी में भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जितने भी इस तरीके के घर बनाने के हमारे योजनाएं चल रही हैं उनको समय सीमा में पूरा करें, गुणवत्ता का ध्यान रखें, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिनकी ऑलमोस्ट प्लानिंग हो गई है लेकिन शुरू नहीं किए हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर वो शुरू कर रहे हैं, तो ये आज निर्देश भी दिए हैं। तो हमारी ऐसे निर्माणाधीन योजनाएं 4,464 अभी ऑलमोस्ट हो गई हैं, तो उनको भी देने का भी काम अब शुरू होगा, और कुछ योजनाएं अभी चल रही हैं तो उनको भी जल्दी समाप्त करने का, जल्दी तैयार हो जाएं ताकि वो लोगों को आवंटित कर दी जाएं, और ये अनवरत चलने वाला काम है। और 2018 तक कोशिश ये होगी कि बहुत सारे लोगों के जो हैं कमी, ऐसे लोग शेष रहेंगे जिनके कि अपने सर पर छत नहीं है, घर नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति का एक सपना होता है उसका अपना खुद का घर हो, और अभी बहुत सारे स्थानों पर हमारे ग्वालियर में ही जिन लोगों को अटल आश्रय के तहत घर दिए हैं, पिछले साल वो राष्ट्रपति जी आए थे, हमने उनके हाथ से चाबियां दिलवाई थी, तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, एक तो हमें घर मिल रहा है, दूसरा हिंदुस्तान का राष्ट्रपति जो है वो हमें चाबियां दे रहे हैं घर की। और अभी कुछ समय पहले मैं वहाँ राउंड लेने के लिए गई थी तो मैंने उनसे पूछा भी था कि कैसा लग रहा है, कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्थित है, वहाँ तो एक पॉलिथीन का टपरा लगा के हम लोग रहते थे और कुछ था नहीं, अब यहाँ सब व्यवस्थित है, हमारा चौका है मतलब रसोई है, बाथरूम है, नहाने धोने का सब है, बर्तन मांजने की जगह है, बैठक है, कमरे हैं, अच्छे से रह रहे हैं वो लोग, बेहद खुश हैं। तो इसके तहत काम तो अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन 2018 तक का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट समय सीमा में पूरा करेंगे, तो ये हाउसिंग बोर्ड और कुछ विकास प्राधिकरण भी ये इस तरीके के कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के काफी जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं मैम वो काफी डिले हो जाते हैं और गुणवत्ता को लेकर भी कई बार प्रश्न उठते हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी ने भी आज ही और वैसे भी पहले से भी निर्देश दे रखे हैं कि टाइम लिमिट जो भी तय होती है, जो प्रोजेक्ट जब शुरू कर रहे हैं उसकी समय सीमा निर्धारित होती है, तो उस निर्धारित समय सीमा का पालन होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए, उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और नहीं है तो दो श्रेणी लोगों के ऊपर आएगा, उनको दंडित करने का काम किया जाएगा। तो इस मामले में स्थिति अच्छी हुई है, और बाकी का जो आप कह रहे हैं अगर कोई ऐसे मसले एक दो आए हैं तो उनको भी संज्ञान में लिया है और उनको भी ध्यान में देंगे और समय सीमा में उनको पूरा कराएंगे। एक छोटी सी समस्या ये भी आती है कि झुग्गी माफिया जो होते हैं वो लगातार इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, आपकी योजनाएं रहते हैं, उसमें सेंध लगा देते हैं और डुप्लीकेसी जो होते हैं एक ही व्यक्ति को कई बार वो मिलते जाते हैं, आश्रय मिलते जाते हैं, तो जरूरतमंदों तक इस योजना का फायदा मिले उसको लेकर क्या कुछ फिल्टर लगाया जा रहा है या कुछ और तकनीक इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, कोशिश होती है कि मतलब इस तरीके से योजना तो ऐसे लोगों के लाभ के लिए बनाई है जिनका अपना स्वयं का घर नहीं है, लेकिन अगर वो कोई गलत मानसिकता से इस तरीके के कदम उठाते हैं तो शासन है, क्योंकि वो चिन्हित करके और अब उनका फोटो और उनका थंब वो भी ले रहे हैं, तो इसलिए वो निशान भी लिए जाते हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की भविष्य में कोई गलतियां हो सकती हैं। कोशिश की जा रही है कि अब ऐसे प्रकरण सामने ना आए, आते भी हैं तो जो संज्ञान में आते हैं तो कार्रवाई की जाती है।
स्वच्छ भारत का काफी अच्छा जो है मुहिम चल रही है, पूरे देश भर में चल रही है, मध्य प्रदेश भी उसमें अग्रणी है, स्मार्ट सिटी भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डस्टबिन है और जो कचरा साफ करने के जो संसाधन है उसकी कमी से जो नगर निगम है वो जूझ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कोई कमी नहीं है, बल्कि समाज स्वयंसेवी संस्थाएं, उन्होंने भी आगे बढ़कर इसमें मदद की है। सब लोग मदद के हाथ बढ़े हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारा प्रदेश, हमारा देश, हमारी कॉलोनी, हमारा मोहल्ला, हम जिस बस्ती में रहते हैं वो बस्ती साफ सुथरी और स्वच्छ हो। लोगों के मानस में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है और लोग आगे बढ़कर स्वच्छता के लिए, मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहती हूँ कि स्वच्छता अब हमारी आदतों में समार हो और हम हमेशा के लिए, हमारी ये आदत एक बन जाए, तो इसके लिए परिवर्तन लोगों के मानस में आया है, लेकिन कहीं कहीं अब धीरे धीरे आएगा भी। और हमें, हमारे मध्य प्रदेश की तारीफ सब जगह हो रही है। कल ही ग्वालियर में हमारी ओलंपिक शूटर सगुन चौधरी आई हुई थी एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरुआत ही इस बात से की कि ग्वालियर आई हूँ, मुझे एक बात की इतनी प्रसन्नता है जिसे मैं रोक नहीं पा रही हूँ कि इतना साफ सुथरा दिखा है, कहीं गंदगी नहीं दिखी है, सड़कें साफ सुथरी हैं, जहाँ से निकल रही हूँ, जिस कॉलोनी से, बस्ती से, और यहाँ इसमें प्लेग्राउंड में मैं आई हूँ, तो हमारे साथ में मेयर बैठे हुए थे, बेहद खुश हुए कि तारीफ़ करने वाले लोग जब तारीफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है, कम लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन स्वच्छता में बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे भी लगातार इसका प्रयास जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया माया सिंह जी। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता एक ऐसी मुहिम है जो सिर्फ सरकार की नहीं समाज की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।